जो ख्वाहिश बचपन में हेलीकॉप्टर में सवार होने की थी वह पूरी नहीं कर पाए तो बेटे ने ख्वाहिश पूरी कर पिता का सपना साकार कर दिखाया। रामपुरा डाबड़ी ग्राम पंचायत के डाबड़ी गांव स्थित देवदा की ढाणी निवासी चौथमल सीएम देवदा का बचपन का एक सपना था कि कभी जीवन में हेलीकॉप्टर में बैठकर दुनिया की सैर करूंगा, लेकिन एक रोडवेज चालक होने के नाते वेतन कम होने पर अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। लेकिन चौथमल के पुत्र कैलाश देवदा ने अपने पिता के पुराने सपने को साकार करते हुए मंगलवार को सेवानिवृत्त के अवसर पर जयपुर के बगराना रोडवेज टायर वर्कशॉप से सेवानिवृत्त होने पर जयपुर से हेलीकॉप्टर में पिता चौथमल देवदा व माता अपने पुत्र पुत्री को हेलीकॉप्टर में बैठाकर डाबड़ी गांव उतारा। इस अवसर पर राष्ट्रीय राजपूत महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता भवानी सिंह टाटियावास, पूर्व सरपंच शीतलमल देवदा, वर्तमान सरपंच शैलेश बोहरा, अंबेडकर विचार मंच के जिला प्रभारी राजेश तानावाड़, कजोड़मल गोसलिया, एडवोकेट हरफुल जाट, सूरज चौधरी, दीपक चौधरी सहित सैकड़ों लोगों ने राजस्थान राज्य परिवहन निगम से सेवानिवृत्त कर्मचारी चौथमल देवदा को माला बनाने के साथ चुन्नी व साफा बांधकर सम्मानित किया। इस दौरान बाबूलाल, सुवालाल, ग्यारसीलाल, पंचायत समिति सदस्य सुल्तान देवदा सहित आदि ने माला से उसने लाद दिया और चौथमल का पूरा सपना होने पर बधाई दी। रामपुरा डाबरी ग्राम पंचायत में यह पहला मौका था जब कोई पंचायत कर्मचारी सेवानिवृत्त पर हेलीकॉप्टर से अपने घर पहुंचा हो। सेवानिवृत्त राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में कर्मचारी चौथमल के पुत्र कैलाश ने जानकारी देते हुए बताया कि पिताजी ने गरीबी हालत होने के कारण काफी संघर्ष किया था और कभी इनके कार्यालय में बस चलाते समय एक भी जानवर नहीं मरा तथा डीजल बचाने में इन्हें स्टेट लेवल पर पुरस्कार भी दिया गया था। रिपोर्ट सुनील भार्गव।